आपका नाम? मेरा नाम शाहिद उमर है। मेरा मुतालबा सरकार से है, नरेंद्र मोदी जी से, कि नरेंद्र मोदी साहब अभी कुछ दिन पहले, दो चार दिन पहले आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है कि जो 40,000 रोहिंग्या मुसलमान यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आपके दिल्ली में भी रहते हैं, तो उनको ये बता रहे हैं कि ये इनसे दहशतगर्दी बढ़ सकती है, इनसे आतंकवाद बढ़ सकता है। तो मैं सरकार से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान से जो हिंदू भाई हमारे आए थे 1965 में, 1971 में, ईरान से भी पारसी भाई हमारे आए हैं, तो हम उनको गले लगा कर यहाँ पर इस्तकबाल किए यहाँ रखे हैं। तो आज क्या हो गया कि एक मुसलमान कम्युनिटी, अगर रोहिंग्या मुसलमान यहाँ आई है और रह रही है, 2002 से रह रही है, यार नई बात नहीं है कि आज आई है, वो 2002 से रह रही है और उसकी हलफनामा दाखिल कर रहे हैं। तो ये मोदी सरकार से डायरेक्ट ये दिखा रहे हैं कि ये कम्युनिटी पर डायरेक्ट हमला है। एक तरह से मैं तो साफ कहूँगा कि कम्युनिटी पर ये हमला है। अगर कम्युनिटी पर हमला नहीं होता, ये इस्लाम को मानने वाला इसलिए हो रहा है। आप तस्लीमा नसरीन को देख लिए, बांग्लादेश से आई है, उसको यहाँ इजाज़त है रहने के लिए, वो भी मुसलमान है, लेकिन क्या है, वो कलमे को नहीं मानती। आप पाकिस्तान से तारिक फतह आया है, उसको भी यहाँ इजाज़त देते, गले लगा कर रखते हैं टीवी चैनलों पर, आपके भी चैनलों पर आते होंगे, आप गले लगा कर उनको रखते हैं। तो क्या हमारा ये संस्कार कहता है, हमारा यह इंसानियत ये कहता है कि जहाँ जिस मुल्क में इंसानियत बर्बरता से मारी जा रही है, उसको हम फिर से वापस उस जहन्नम के आग में भेज दें? क्या हमारी इंसानियत यही कर रही है? तो नरेंद्र मोदी से ये मुतालबा फिर से बार बार मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान के हिंदू रह सकते हैं, आए हुए रह सकते हैं, ईरान से पारसी आए हुए रह सकते हैं, तिब्बत से 1,00,000 से ज़्यादा शरणार्थी बहुत दिन से रह रहे हैं, वो रह सकते हैं, तो रोहिंग्या मुसलमान क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? उनके पास तो घर भी नहीं है, वो ऑटो चलाते हैं, कूड़ा बीन बीन का लोगों की सफाई कर कर का उससे पैसे कमाते हैं, वो रहते हैं, बहुत ख़राब ज़िंदगी। आप चले जाइए यहाँ पर श्रम बिहार में, वहाँ रहते हैं, आप पेशाब करने नहीं जाएंगे उस इलाके में जिस इलाके में वो रहते हैं। सरकार तो ये कुछ कर नहीं रहे, वो जो जिस हिसाब से ज़िंदगी अपना बसर कर रहे, जैसे भी कर रहे हैं, सरकार को चाहिए कि और फैसिलिटी दे। केजरीवाल सरकार साहब क्या किए थे अभी कुछ दिन पहले, हिंदू लोग जो आए थे हमारे पाकिस्तान से, उनके लिए बजाबते बिजली का इंतजाम किए, बजाबते पानी का इंतजाम किए, वैसे इंतजाम इनको भी करना चाहिए। ये मुतालबा है सरकार से, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको दर्ज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान हम जाने नहीं देंगे। ये मुसलमानों के ही मामला नहीं है, हिंदू भाई भी मारे जा रहे हैं बर्मा के अंदर, क्रिश्चियन भी मारे जा रहे हैं, जो अल्पसंख्यक के सारे मारे जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी से ये भी मुतालबा है कि आप अपना सेना भेजिए ना, चलिए मुसलमानों से आपकी मोहब्बत नहीं है, हिंदू से मोहब्बत है, आप हिंदुओं को भी बचा लीजिए वहाँ से, जो क्रिश्चियन से मोहब्बत है उनसे बचा लीजिए, उनके लिए तो सेना भेजिए, उनके लिए भी तो आप भेजिए। मैं एक और बात बोल रहा हूँ, सिख भाइयों का मैं बहुत तारीफ़ कर रहा हूँ यहाँ पर, सिख भाइयों ने, आप देखिए बांग्लादेश पर जो अभी बॉर्डर पर 3,00,000 लोग गए हैं, उनके लिए खाना बना रहे हैं, आप मीडिया के थ्रू आप देख रहे होंगे, खाना बना बना, इंसानियत की ये पहचान है, ये धर्म की कोई पहचान नहीं है, ये इंसानियत हमारा सिखाता है। ये मुतालबा है सरकार से। आप युवा हैं तो युवा समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? युवा समाज से हम अपील करना चाहते हैं कि ये जो गंदी राजनीति हिंदुस्तान में जो हो गई है, इस गंदी राजनीति का खात्मा करना होगा, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, ये नफ़रतें फैलाती है, कभी हिंदू के नाम पर बांट दे रही, कभी मुसलमान के नाम पर बांट दे। तो ये जो नफरत है ना, उसको हमें खड़ा होना पड़ेगा, हम जैसे नौजवान, सब नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा और देश के विकास के लिए बात करना पड़ेगा।